अगर आप लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सीखें, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर कोचिंग से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से सीखनी चाहिए, क्या आप लोगों को कोचिंग में जाना चाहिए, क्या आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में ले जाओ, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने माइंडसेट को सही करो कि दैट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ घुसा लो कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको सिखाए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सीखना है, सामने वाला बस आपको बताएगा, सीखना आप लोगों को खुद पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकल कोचिंग की, कि क्या आप लोगों को कोचिंग सेंटर जाना चाहिए। तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी, अगर आप लोगों को कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की फील्ड में, तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि लोकल कोचिंग्स में जाओ। वहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे एंड यूजुअली व्हेन यू स्टार्ट तब आप लोगों के पास बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। मींस बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ऐसा क्यों है वेरिएबल, ऐसा क्यों है क्लास नेम, ऐसा क्यों है कि हम लोग इसको कैसे वर्क करेंगे, हम मींस बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के पास। तो उस टाइम पे जब आप लोग अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो वो चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी टीडियस बन जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग किसी लोकल कोचिंग में जाते हो तो यू कैन आस्क दैट पर्सन। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिल जाती है, आप लोग सीधे वहाँ से पूछ सकते हो एंड विद इन सेकेंड्स आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे, बट यूजुअली ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट एंड इसका एडवांटेज ये होगा कि आप लोगों को एक बेसिक्स आप लोगों के काफ़ी क्लियर हो जाएंगे एंड एक कमिटमेंट रहती है। जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो एक कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऑफलाइन कोचिंग में वो कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि आप लोगों को खुद वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है, सो यू हैव मेड द कमिटमेंट। तो यूजुअली आप लोग उसे फॉलो अप करेंगे और आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग में पर्सनल अटेंशन भी मिलेगी, आप लोग पर्सनली कोई समझाएगा भी, तो इट विल बी ईजी टू ग्रैप द बेसिक्स फ्रॉम ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग मतलब जो लोकल जो कोचिंग सेंटर्स है आपकी सिटी में, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज की, तो ऑनलाइन कोर्सेज में यूजुअली ऐसा रहता है कि सामने जो रहता है वो थोड़ा एक्सपर्ट रहता है, थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है। एक्सपीरियंस नॉट इन द टर्म्स ऑफ एज कि वहाँ पे आपको एक बुढ़ा मिलेगा, नहीं, एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, उसने काफ़ी उस फील्ड में एक्सपीरियंस रहता है एंड उसने एक्चुअल में काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स भी वर्क भी किया होता है। और आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ साथ वहाँ पे वो बंदा यूजुअली एन्जॉय भी करता है उस चीज़ को, मीन्स जो भी आपका टीचर है, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर है ऑनलाइन कोर्सेज में, दे यूजुअली एन्जॉय इट, दैट्स वाई दे आर डूइंग नाउ। ये चीज़ आप लोगों को लोकल कोचिंग सेंटर्स में भी मिल सकती है, बट इट्स अ रेयर चांस। ठीक है, ऑनलाइन में आप लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग एक एक्सपर्ट को ढूंढ के उनके साथ उनसे सीख सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम यूडेमी और फ्रॉम एनी वेबसाइट। ठीक है, आप लोग खुद ही सर्च कर सकते हो, यूडेमी पे कोर्सेज भी जाके देखोगे तो यू विल सी कि वहाँ पे जो है वो थोड़ा एक्सपर्ट है। ठीक है, उसने थोड़े मेजर प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंड वो थोड़ा आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि वंस यू आर क्लियर विथ योर बेसिक्स, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं एंड नाउ यू वॉन्ट टू जम्प इन टू द एडवांस लेवल, कुछ अच्छे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, आप लोगों को थोड़ा डीप में समझना है, आप लोगों को किसी उनसे समझना है जिन्होंने एक्चुअल में इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक काम किया है, काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तब आप लोग ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ सकते हैं एंड वंस यू आर क्लियर दैट यू आर एन्जॉइंग इट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यार कोडिंग इज़ योर स्टाइल, कोडिंग यू लाइक प्रोग्रामिंग, तो आप लोग वहाँ से ऑनलाइन पे जाएंगे एंड फिर आप लोगों को बाहर से किसी मोटिवेशन या कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग सही में उसे एन्जॉय कर रहे हैं तो यू विल वॉच दैट वीडियो, यू विल वॉच दैट कोर्स। सो अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज के एडवांटेज की बात करूँ तो आप लोगों को एक एक्सपर्ट मिल सकता है, आप लोगों को एडवांस नॉलेज मिल सकता है, आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है, साथ ही साथ आप लोगों को एक लेटेस्ट नॉलेज भी मिल सकता है वहाँ से। मीन्स लेटेस्ट मीन्स जब भी कोई एंड्रॉयड में कोई अपडेट्स आते हैं या फिर स्विफ्ट के iOS में कोई अपडेट्स आते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्सेज रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, उन लोगों का काम ही है यही अपडेट करना, तो वहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो यूजुअली हो सकता है कि आप लोगों को लोकल कोचिंग सेंटर्स में ना मिले। हालांकि कोई कोई अच्छे अच्छे बूट कैंप्स होते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इनफैक्ट जो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसी के पार में आप लोगों को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, प्लस आपको पर्सनल अटेंशन भी मिल सकता है। तो वो बूट कैंप्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे भी ये बूट कैंप्स ऐसे होते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट।
बट नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज आर द बेस्ट, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सो कंक्लूजन क्या है, अब हम लोग कहाँ से सीखें, लोकल से सीखें, लोकल कोचिंग सेंटर से सीखें कि ऑनलाइन कोर्सेज से सीखें? ना, व्हाट आई रिकमेंड इज कि दोनों करो, ठीक है। बेसिक्स पहले अपने लोकल कोचिंग में जाके वहाँ पे अपने क्लियर कर दो, एंड देन ज्वाइन, इफ़ यू आर एन्जॉइंग इट देन ज्वाइन ऑन एनी ऑनलाइन कोर्स, वहाँ से सीखो, वहाँ से थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लो, वहाँ से थोड़े एक्सपर्टीज से बात करो, उनसे थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पूछो एंड अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करो। सो टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें करो एंड टेक एडवांटेज ऑफ बोथ ऑफ देम। एट लास्ट मैं अपने आपको रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई आपको सिखा नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, सीखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगा आप लोग से अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।